हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं और यह क्लास आपके लिए यूपी प्लस के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, संघर्ष थकाता जरूर है लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए और मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कल जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसमें सफल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है हमें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो देखिए K2 माउंट राकापासी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, धूपगढ़, अमरकंटक, सारामती, ब्लू माउंटेन। देखिए तो आपसे पूछा है भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो कि K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। K2 किसकी है? K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, सबसे ऊंची चोटी है, चोटी है। K2 किसकी सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। K2 जो है भारत की सबसे ऊंची ट्रांस हिमालय का भाग है, और वो भी किसकी? काराकोरम की। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है काराकोरम पर्वत श्रेणी की। ठीक है, किसकी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है K2। माउंट राकापासी, माउंट राकापासी जो है ये लद्दाख, माउंट राकापासी किसकी है? लद्दाख, लद्दाख रेंज की, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापासी। और ये विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। ठीक है, नंगा पर्वत, देखिए नंगा पर्वत हिमालय पर्वत की चोटी है लेकिन नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत किस राज्य की? जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जम्मू कश्मीर राज्य की। ठीक है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में जम्मू हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? उत्तराखंड की, उत्तराखंड राज्य की। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड राज्य में कौन सी? नंदा देवी। कंचनजंगा ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। और ये कंचनजंगा जो है आपकी कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, कहाँ स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित। और ये जो कंचनजंगा है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। किस राज्य में? सिक्किम में। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। और ये भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कंचनजंगा। अन्य की बात कर लेते हैं, आइए इधर देखिए अन्य की बात करते हैं हम। धूपगढ़, धूपगढ़ का सबकी सबसे ऊंची चोटी किसकी है? धूपगढ़ जो महादेव रेंज की, महादेव पर्वत की, महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। देखिए महादेव पर्वत जो है मध्य प्रदेश में, तो और ये उस किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। तो धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी किसकी है? महादेव की। अमरकंटक, अमरकंटक किसकी है? मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। सारामती, सारामती नागा हिल्स की, नागालैंड राज्य में स्थित है नागा हिल्स। नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती। सारामती किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन मिजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। ब्लू माउंटेन किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मिजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए आपसे पूछा जाता है कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 है। देखिए क्वेश्चन पर मत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा है। और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 है। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं।
आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। कौन सी है? अन्नाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी। डोडा बेटा, ये नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा कहां की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी हिल्स की। डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेटा। ओरियाकोंडा, ओरियाकोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ओरियाकोंडा कहां की है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ओरियाकोंडा, पूर्वी घाट की। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है ओरियाकोंडा। महेंद्रगिरी भी है लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओरियाकोंडा पूर्वी घाट की, उसके बाद महेंद्रगिरी का नंबर आता है। पारसनाथ हिल्स, पारसनाथ हिल्स छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हिल्स छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हिल्स है। और यहाँ एक और जान लेते, गुरु शिखर, गुरु शिखर, ये गुरु शिखर जो है अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चनों में मैंने आपको भारत की जितनी प्रमुख पर्वत श्रेणियां और जिनकी प्रमुख चोटियां उनके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। और भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित पूछा गया, मिसप्रिंट हो गई है। ठीक है, सुमेलित पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया? सुमेलित नदी घाटी परियोजना और एक तरफ नदी दी है। तो देखिए भाखड़ा नागल बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। बिल्कुल सही बात है, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। जवाहर सागर बांध यह रिहंद नदी पर है। बिल्कुल सही है, रिहंद सोन की सहायक है। रिहंद किसकी सहायक है? सोन नदी की सहायक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। बिल्कुल सही है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। अलमाटी बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध ये भी कृष्णा नदी पर, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है और केरल में। ठीक है, और मेट्टूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। ठीक है, सारी परियोजनाएं सही है लेकिन एक ऑप्शन गलत, जवाहर सागर बांध। आइए बात करते हैं जवाहर सागर बांध की। ठीक है, जवाहर सागर बांध, देखिए जवाहर सागर बांध जो है सुमेलित नहीं, क्योंकि ये कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। ठीक है, देखिए जवाहर सागर और एक राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर। ठीक है, ये भी चंबल नदी पर, एक है गांधी सागर, गांधी सागर बांध ये भी किस पर है? गांधी सागर बांध भी चंबल नदी पर है। ठीक है, ये राजस्थान में, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में, गांधी सागर बांध का मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर स्थित है। देखिए भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में, कौन से में? उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नर्मदा नदी पर है। गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध किस पर है? पेरियार नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। ठीक है, मेट्टूर बांध किस पर है? कावेरी नदी पर। चलिए आगे चलते हैं, आइए एक मिनट, जब पेज छोटा, कोई बात नहीं है, आइए बात करते हैं। देखिए कुछ बांध परियोजना और हैं आपसे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक है महानदी, कौन सी है? महानदी, महानदी पर कौन सी परियोजना है? हीराकुंड बांध। महानदी पर कौन सी परियोजना है? हीराकुंड बांध। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर है, हीराकुंड बांध। ठीक है, महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी डैम,
टिहरी बांध, टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? टिहरी बांध जो आपका भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य में, भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर है, कौन से राज्य में? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है। और एक जान लीजिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? दामोदर नदी पर। और ये इंपोर्टेंट परियोजना है, दामोदर नदी पर, ठीक है। क्योंकि जो दामोदर नदी है, जो दामोदर नदी पर, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और ये अमेरिका की टेनिस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। किस पर आधारित है? अमेरिका की टेनिस नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो जवाहर सागर बांध सम्मिलित नहीं है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि जो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, चेम्यांगडोंग ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, बोकरचू ग्लेशियर और राकस ताल से। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो चेम्यांगडोंग ग्लेशियर से हुआ है। कहां से हुआ है? चेम्यांगडोंग ग्लेशियर से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ है? चेम्यांगडोंग ग्लेशियर से हुआ है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो। तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? इसको दिहांग कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? इसको दिहांग कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। और आपसे असम में ब्रह्मपुत्र, असम में क्या कहते हैं? इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा माजुली द्वीप स्थित है? कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप स्थित है। इस पर माजुली द्वीप, माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम राज्य में, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी यानी भागीरथी निकलती है, और उसको आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो गंगा नदी निकलती है। बोकरचू ग्लेशियर से, बोकरचू ग्लेशियर से कौन सी नदी? सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी कहां से निकलती है? बोकरचू ग्लेशियर, सिंगी बखान से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है। राकसताल, राकसताल से कौन सी नदी निकलती है? राकसताल से निकलती है सतलज नदी। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी राकसताल से निकलती है। सतलज नदी कहां से निकलती है? राकसताल से नदी निकलती है। और ये सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो सतलज नदी है जो सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है ये, ठीक है। भारत में प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सतलज नदी, ठीक है। कहां से निकलती है? राकसताल से निकलती है, ठीक है। अन्य कुछ नदियों की बात कर लेते हैं, आइए, ठीक है। अन्य नदियों की बात करते हैं इसी में। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि वो अलकनंदा नदी कहां से निकलती है, तो अलकनंदा नदी निकलती है सतोपतेमानी से। याद रखा, अलकनंदा नदी कहां से निकलती है? सतोपतेमानी से, सतोपतेमानी, सतोपतेमानी से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। सतोपतेमानी से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है सतोपतेमानी से, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, सतोपतेमानी से अलकनंदा नदी निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद जनपावा की पहाड़ी से, मऊ जिले के जनपावा का पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। मध्य प्रदेश में जनपावा की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। मऊ जिले से निकलती है चंबल नदी। आइए आगे बात करते हैं आपसे।
गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? त्र्यंबक के पठार, नासिक के पास त्र्यंबक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी निकलती है, ठीक है। नासिक के पास त्र्यंबक के पठार से गोदावरी निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। कावेरी नदी ब्रह्मपुत्र, कावेरी नदी जो है कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, कावेरी नदी, ठीक है। और बात करते हैं आपसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा और तापी दो ऐसी नदी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। अन्य भी नदियां याद रखिए, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। पश्चिम की ओर जो नदियां प्रवाहित होती है वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती है, और पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। माही नदी, माही नदी जो है कर्क रेखा को दो बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। और आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ होता है? चोमयांगडोंग ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, बोकरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, और राकस्ताल से सतलज नदी निकलती है। मानसरोवर की झील के पास राकस्ताल से सतलज नदी निकलती है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन कहता कि जनसंख्या मूल संविधान में किस सूची का विषय? जनसंख्या मूल संविधान, देखिए याद रखिए क्या पूछा, मूल संविधान में किस सूची का विषय? तो देखिए जनसंख्या मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था, जनसंख्या मूल संविधान में किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे किसका विषय बना दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जनसंख्या को किसका विषय बना दिया गया? समवर्ती सूची का, ठीक है। आपसे पूछा है जनगणना, याद रखिए जनगणना किसका विषय? तो जनगणना जो है आपका संघ सूची का विषय, ठीक है। जनसंख्या मूल संविधान में किस सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया, ठीक है। जनगणना किसका विषय? संघ सूची का विषय। जनगणना किसका विषय? संघ सूची का विषय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप सबको पता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा? अपना उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश को अलग देश बना दिया जाता तो विश्व का पांचवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में? गोवा है छोटा राज्य, ठीक है। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य, बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य, वो सॉरी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। आइए बात करते हैं राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर, यानी 2001 से 2011 के बीच किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही? तो वो राज्य मेघालय। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा? मेघालय। सबसे कम कहां रही? सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य,
सबसे कम दस की वृद्धि दर वाला राज्य, ठीक है, दस की वृद्धि दर वाला राज्य रहा है, कौन सा रहा है? नागालैंड। सबसे अधिक दस की वृद्धि दर वाला संघ शासित राज्य, सबसे अधिक दस की वृद्धि दर वाला, दस की वृद्धि दर वाला संघ शासित राज्य, संघ शासित राज्य कौन सा है? सबसे अधिक दस की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? दादर नगर हवेली है, और सबसे कम लक्षद्वीप में, सबसे कम लक्षद्वीप, कम दस की वृद्धि दर वाला संघ शासित राज्य, दस की वृद्धि दर वाला संघ शासित राज्य, संघ शासित राज्य कौन सा रहा है? ठीक है, लक्षद्वीप रहा है। आपसे पूछा गया सबसे अधिक दस की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा रहा है? मेघालय रहा है। सबसे अधिक दस की वृद्धि दर वाला राज्य कौन रहा है? मेघालय रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, यानी वह राज्य जिनमें लिंगानुपात सबसे कम होता है, यानी 1,000 पुरुषों पर महिलाएं सबसे कम किस राज्य में? तो हरियाणा। हरियाणा जो है सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, ठीक है, यह सबसे अधिक लिंगानुपात रहा है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है? केरल में, ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहां है? केरल में। पुदुचेरी यानी पांडुचेरी जो है यह संघ शासित राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात है, संघ शासित राज्यों में, संघ शासित राज्यों में सबसे अधिक, राज्यों में सबसे अधिक है, संघ शासित राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? पुदुचेरी का। संघ शासित राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी। दमनदीप सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे कम ओवरऑल में सबसे कम है, यहां सबसे कम लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात है, ठीक है, दमनदीप में सबसे कम है, ठीक है, पर यहां राज्य पूछा है इसलिए मैंने हरियाणा बताया। ओवरऑल करके पूछता, राज्य नहीं देता, सिर्फ इतना लिखता कि न्यूनतम लिंगानुपात किसका है, तो दमनदीप होता, उसका नाम ये दमनदीप, यानी जहां महिलाओं का दमन कर दिया जाता है, सबसे कम लिंगानुपात दमनदीप में, ठीक है, ओवरऑल में। और वैसे राज्यों में हरियाणा है, ठीक है, राज्यों में हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, संघ शासित राज्यों में दमनदीप है, और ओवरऑल में कौन है? दमनदीप सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पूछा है, देखिए राज्य पूछा है उसने, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार है, ठीक है, और सबसे कम कहां है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है, सबसे कम जनघनत्व, कम जनघनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में कितना है? मात्र 17, कितना है? मात्र 17 है, कितना है? 17, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 17, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? सिर्फ 17 लोग रहते हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है केंद्र शासित में, संघ शासित प्रदेश में सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक दिल्ली, ओवरऑल भी सबसे अधिक है दिल्ली में अधिक, ठीक है, और यहाँ केंद्र शासित में सबसे कम का अंडमान निकोबार में, केंद्र शासित में सबसे कम 46 है, यहाँ सबसे कम है कितना है? यहाँ 46 है, ठीक है। राज्य में पूछे तो सबसे अधिक बिहार में और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, केंद्र शासित में पूछे तो दिल्ली में और अंडमान निकोबार में किन राज्यों में सबसे कम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस राज्य में? तो आप इसका अनुमान अपने आप ही लगा सकते हैं, संख्या पूछी है तो संख्या सबसे अधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में। संख्या कहाँ है सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है। प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है? पंजाब में। प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है? पंजाब में। प्रतिशत सबसे अधिक, सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ है? पंजाब में, ठीक है, और सबसे कम कहाँ है? नागालैंड में। सबसे कम अनुसूचित जातियों की संख्या कहाँ है? सबसे कम,
सबसे कम कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अनुसूचित जातियों की संख्या कब से सबसे अधिक किस प्रदेश में, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुसूचित जातियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस प्रदेश में सबसे अधिक है, तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक किस में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक किस में? मध्य प्रदेश में। जबकि प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ है, तो प्रतिशत में सबसे अधिक मिजोरम में। ठीक है, परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ है? मिजोरम में सबसे अधिक। परसेंटेज में कहाँ है सबसे अधिक? ये मिजोरम में। ठीक है, परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ पर है? मिजोरम में। ठीक है, पंजाब हरियाणा में सबसे कम है, यहाँ यह है ही नहीं, सबसे कम न्यूनतम, सबसे कम कहाँ है? पंजाब हरियाणा में। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य दिए, एक तरफ राज्य दिए हैं, तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, काबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। तो देखिए, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगोल हिरणों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगोल हिरण। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगोल हिरण के लिए प्रसिद्ध है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंद्रा हिल्स राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। और भी एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, वो उसको भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो मुकुंद्रा हिल राजस्थान में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, भीतरकनिका, ये भीतरकनिका जो है ये सम्मिलित नहीं है, ये कहाँ पर है? ये असम में, वो उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित। और ये कछुआ ओल्वे रेडले, विशेष प्रकार के कछुए जिनके लिए प्रसिद्ध है, भीतरकनिका ओल्वे रेडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये सम्मिलित नहीं है ये वाला। ठीक है, ओल्वे रेडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, ये सम्मिलित नहीं है आपका। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये भीतरकनिका वाला सम्मिलित नहीं है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, असम में नहीं है। आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आपसे। ठीक है, आइए आगे देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में प्रसिद्ध है, ये गैंडा हाथियों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये एक सींग वाले गैंडा, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है वाले गैंडा। ठीक है, काबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। काबुल लाम जाओ कैसा है? ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। काबुल लाम जाओ कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और ये जो है डांसिंग हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें संगाई हिरण कहते हैं, डांसिंग हिरण। ठीक है, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लाम जाओ, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लाम जाओ। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिया है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान का अरुणाचल प्रदेश में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, साउथ बट्टन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, साउथ बट्टन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, ये और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, साउथ बट्टन सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये कहाँ पर? असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, असम में। और भी है, डिब्रू साइक होगा, देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित, देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये भी असम में स्थित है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, वो कर्नाटक में स्थित है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आइए, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में गुजरात में, तमिलनाडु में गुजरात में, गुजरात में एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है।
गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मुदुमलाई तमिलनाडु में, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? हरियाणा में, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हरियाणा में कौन सा स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, ठीक है। चलिए साइलेंट वैली आ जाए तो केरल में, साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। तो देखिए जितने इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है, कहाँ? उड़ीसा में स्थित है भीतरकनिका, और एक सिमलीपाल, ठीक है। उड़ीसा में कौन कौन से? भीतरकनिका और सिमलीपाल, एक और लिख लीजिए सिमलीपाल, ठीक है। और भीतरकनिका आपको पता ही, ओजो रेडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो देखिए नाथुला और जैलेपला दो दर्रे हैं, सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला और जैलेपला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश में एक तो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, आपसे पूछा जाए रोहतांग दर्रा का हिमाचल प्रदेश में, एक पूछा जाता है ब्यास, रोहतांग दर्रा हो गया, ठीक है। और एक आता है बहुत ज्यादा सिपकीला दर्रा, कौन सा दर्रा? सिपकीला दर्रा, कौन सा दर्रा आता है? सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, ठीक है। सिपकीला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजीला, और एक है तुम्हारा बनिहाल जोजिया, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उत्तराखंड में कौन कौन से? माना नीति, माना नीति, ठीक है। दर्रे कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है माना नीति दर्रा। देखिए आपसे पूछेगा नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रे के द्वारा सिक्किम यानी भारत और चीन के साथ व्यापार होता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, शाहजहांपुर, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, झांसी। तो देखिए किस नगर में नहीं है, तो आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। किस में नगर निगम नहीं है? आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। नगर निगम कहाँ नहीं है? आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा जो है नगर निगम नहीं है? आजमगढ़ नहीं है। दूसरी बात, ये शाहजहांपुर ये नवीनतम बना है नगर निगम, नवीनतम नगर निगम बना है, नवीनतम नगर निगम बना है नगर निगम, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितनी है? 17 नगर निगम है, कितनी है? 17 नगर निगम है, कितनी नगर निगम है? 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। कुल कितनी नगर निगम है? 17 नगर निगम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नगर निगम है? 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। कुल कितनी नगर निगम है? 17 नगर निगम है, ठीक है। इनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारी क्या नगर निगम है, ठीक है। और इनमें कौन सी नगर निगम नहीं है? आजमगढ़ नगर निगम नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आजमगढ़ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूची फर्स्ट सूची को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो देखिए मुख्यालय दिए, एक तो जनपद दिया है, तो जालौन का कौन सा है? उरई। जालौन का मुख्यालय क्या? उरई है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, भदोही का ज्ञानपुर है, और कुशीनगर का पडरौना है। ये वही कुशीनगर है जहाँ महात्मा बुद्ध को क्या मिला था? महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण यहाँ पर, ठीक है। महात्मा बुद्ध का
अरे महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था यहाँ, ठीक है, याद रखना, महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण हुआ था यहाँ। महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ है। भदोही कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए। गलीचा बहुत बनते हैं यहाँ, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भदोही, उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भदोही, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए आगे आगे दिया गया, देखिए, अमेठी का गौरीगंज है, संत कवि नगर का खलीलाबाद है मुख्यालय, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कौशाम्बी का मंजनपुर है, सिद्धार्थ नगर का नोगढ़ है, और सोनभद्र का रावर्ट्सगंज है। सोनभद्र का कौन सा? रावर्ट्सगंज। सोनभद्र का मुख्यालय का रावर्ट्सगंज में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? बीबीगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नोएडा में, भारतीय चारागाह अनुसंधान आगरा में, केंद्रीय गिलास एवं में खुर्जा में, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी वाराणसी में। तो याद रखिए, भारतीय चारागाह अनुसंधान जो है ये आगरा में नहीं है, भारतीय चारागाह अनुसंधान आगरा में नहीं है, यहाँ पर कौन, ये कहाँ पर है? झांसी में, ठीक है। और आगरा में कौन सा? केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान आगरा में, ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में, लेकिन भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी पर है, ठीक है। चलिए आगे आइए, देखिए, आलू अनुसंधान कहाँ है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान कहाँ है? मेरठ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ, आलू अनुसंधान मेरठ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली इज्जत नगर, बरेली इज्जत नगर में दिया गया, ठीक है। कई बार बरेली ऑप्शन में ना इज्जत नगर करके देखा, तो याद रखिए बरेली इज्जत नगर में। भारतीय साग सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, भारतीय साग सब्जी अनुसंधान कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है। भारतीय साग सब्जी अनुसंधान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है बटेश्वर मेला, भैया बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। देवाशरी मेला बाराबंकी में, हरिदास जयंती वृंदावन में, नौचंदी मेला मेरठ में, नैमिष परिक्रमा मेला नैमिषारण्य में, माघ मेला आगरा में, कलिंजर मेला बांदा में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में। तो याद रखिए, देखिए बटेश्वर मेला तो आगरा में लगता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बटेश्वर मेला पशु मेला है, कैसा मेला है? पशु मेला, पशु मेला लगता है आगरा में, बटेश्वर में, ठीक है। यहाँ भोले बाबा का मंदिर है, ठीक है। देवाशरीफ मेला बाराबंकी, देवाशरीफ मेला कहाँ है? बाराबंकी में लगता है। हरिदास जयंती, स्वामी हरिदास जयंती का मनाई वृंदावन में, स्वामी हरिदास संगीतज्ञ थे और भगवान किसके भक्त थे? बांके बिहारी के, ठीक है, जिनको सुनने के लिए सम्राट अकबर स्वयं नंगे पैर वृंदावन जाता था। सम्राट अकबर जब इनका संगीत सुनता और इनसे कहता है कि आप गाइए, तो स्वामी हरिदास जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ बांके बिहारी के लिए गाता हूं। तो अकबर कहता मैं बादशाह हूं, तो उन्होंने कहा मैं दुनिया के बादशाह के लिए गाता हूं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम क्या हो, ठीक है। तो स्वयं अकबर इनका संगीत सुनने जाता था, वो कहा कि जब मेरा मन होगा तब गाऊंगा मैं, ठीक है। नौचंदी मेला कहा है? मेरठ में। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य में। माघ मेला, देखिए ये जो माघ मेला है ये कहाँ लगता है? ये लगता है तुम्हारा प्रयागराज में। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में, ठीक है, सर्दियों में लगता है प्रयागराज में। कौन सा मेला लगता है? माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है, याद रखिए। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में और कौन सा मेला लगता है? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में लगता है कुंभ का मेला, ठीक है। प्रयागराज में महाकुंभ और कुंभ दोनों लगते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ भी लगता है, ठीक है। देखिए महाकुंभ तो चार जगह और लगते हैं, लेकिन कुंभ का मेला सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है, ठीक है, जिसको अर्ध कुंभ कहते हैं, जो 6 वर्ष बाद लगता है, जबकि महाकुंभ 12 साल बाद लगता है, जो रोटेशन में चलता है, चार जगह और लगता है। महाकुंभ चार जगह और लगता है, नासिक, नासिक में लगता है, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर नासिक में लगता है महाकुंभ। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर लगता है, हरिद्वार में, ठीक है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, और उज्जैन में लगता है, छिप्रा नदी के, चार में लगता है, प्रयागराज, नासिक, ठीक है, हरिद्वार और उज्जैन, चार जगह महाकुंभ लगता है, लेकिन कुंभ सिर्फ प्रयागराज में लगता है, ठीक है। कलिंजर मेला कहाँ है? बांदा में, और खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं उत्तर प्रदेश में? तो मथुरा में लगते हैं। सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। सबसे अधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में, ठीक है। चलिए आगे आइए,
निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखो बिरहा भोजपुरी बिल्कुल सही, कजरी अवधि, आला बुंदेलखंड, पवारा बजरी, रसिया, रसिया अवधि में नहीं है भैया। रसिया भी कहाँ है? ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है रसिया, ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है रसिया, ठीक है। तो कौन सा गीत ये रसिया जो है कहाँ गाया था? ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। आला खंड वैसे तो पूरे भारत में गाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये आला जो है बुंदेलखंड भाषा में, वहीं का मूल क्या गीत वो है, ये गीत है आला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप सबको पता है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री, ठीक है, पहले मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, इन्हें सब बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी ये उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे ओवरऑल भारत में भी किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनती है? सरोजनी नायडू बनती है। इन्हें स्वर कोकला भी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर कोकला भी कहते हैं सरोजनी नायडू को, ठीक है। और इन्हीं के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। और यह पहली महिला थी जो, पहली भारतीय महिला जो कानपुर की, वो पहली भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन पहले विधानसभापति, पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? पहले विधानसभापति थे, विधानसभापति, ठीक है। श्री चंद्रमान विधान परिषद के अध्यक्ष थे, पहले विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रमान पहले विधान परिषद के अध्यक्ष थे। विधान सभापति पुरुषोत्तम दास टंडन थे, विधान परिषद के अध्यक्ष, पहली विधान परिषद के अध्यक्ष कौन थे? श्री चंद्रमान सिंह पहली के थे, वर्तमान के मत लगा लेना, पहली के, ठीक है। और ये पहली विधानसभा के सभापति थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प टेसू या पलास, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ठीक है। सारस या क्रौच ये राजकीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस या क्रौच है। बारहसिंगा राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। देश का वो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, याद रखना, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, ठीक है। और बाघ के लिए कौन सा वो प्रसिद्ध है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व या सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ स्थित है सुंदरवन वाला? ये स्थित है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। सुंदरवन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं, या रॉयल वंडा टाइगर के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ठीक है। वारासिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। पक्षी कौन है राजकीय पक्षी? सारस या क्रौच है, जबकि राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, मयूर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित लोक नृत्य में कौन सा लोक नृत्य जो सम्मिलित नहीं है? कर्मा मिर्जापुर सोनभद्र का, बिल्कुल सही है, धुरिया बुंदेलखंड का, धीवर कहार जाति का, नटवरी पूर्वांचल का, जोगनी अवध क्षेत्र का, चरकुला पूर्वांचल का। चरकुला पूर्वांचल का नहीं है, चरकुला कहाँ है? ब्रज क्षेत्र का है भैया, ब्रज क्षेत्र, भगवान श्री कृष्ण की नगरी ब्रज क्षेत्र, भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र का है चरकुला। और कौन सा है यहाँ का? रासलीला, ठीक है। और कौन सा है? मयूर नृत्य, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, ब्रज क्षेत्र क्षेत्र है उनका, ठीक है। धीवर कहार जनजाति द्वारा किया जाता है, धीवर कहार जनजाति द्वारा किया जाता है, धीवर किसके द्वारा किया जाता है? कहार जनजाति द्वारा किया जाता है। नटवरी, नटवरी जो है पूर्वांचल का है, नटवरी कहाँ का है? पूर्वांचल का, ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उस क्वेश्चन का आंसर है आपके का
कौन सा उस क्वेश्चन का आंसर है? चरकुला। ये चरकुला पूर्वांचल का नहीं है, चरकुला कहां का है? ब्रज क्षेत्र का है। रासलीला और मयूर नृत्य भी कहां के हैं? पूर्वांचल के, वो सॉरी ब्रज क्षेत्र के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चंद्रशेखर पच्ची विहार उन्नाव जिले में, लाख बहुसी पच्ची विहार कन्नौज में, साढ़ी पच्ची विहार हरदोई में, बखीरा पच्ची विहार, बकीरा पच्ची संत कबीर नगर में, ओखला पच्ची विहार गाजीपुर में, समाना पच्ची विहार मैनपुरी में, एटा पच्ची पटना पच्ची विहार एटा में, और सूर सरोवर पच्ची विहार मथुरा में। ये सूर सरोवर देखिए चंद्रशेखर उन्नाव में बिल्कुल सही है, लाख बहुसी कन्नौज में बिल्कुल सही है, साढ़ी पच्ची विहार हरदोई में सही है, बकीरा पच्ची विहार संत कबीर नगर में बिल्कुल सही है, ओखला पच्ची विहार गाजियाबाद में बिल्कुल सही है, समाना पच्ची विहार मैनपुरी में बिल्कुल सही है, पटना पच्ची विहार एटा में बिल्कुल सही है, जबकि सूर सरोवर पच्ची विहार ये कहां पर है? सूर सरोवर वाला। आइए सूर सरोवर वाला पच्ची विहार कहां पर है? सूर सरोवर वाला पच्ची विहार आगरा में। कहां पर है? आगरा में। ठीक है, इसको कीथम के नाम से जानते हैं। आगरा में है सूर सरोवर पच्ची विहार, कहां पर है? आगरा में, जैसे कीथम के नाम से जाना, कीथम भी कीथम झील कह देते हैं। ठीक है, चलिए ये रामसर साइट में भी शामिल है। ठीक है, आगे आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पच्ची विहार कौन सा है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पच्ची विहार कौन सा है? लाख बहुसी पच्ची विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पच्ची विहार है, लाख बहुसी पच्ची विहार। ठीक है, सेका झील पच्ची विहार, सेका झील पच्ची विहार कहाँ है? अलीगढ़ में। कहां पर है? अलीगढ़ में। और सबसे छोटा पच्ची विहार शेख झीला पच्ची विहार कहाँ है? अलीगढ़ में स्थित है। और ये सबसे छोटा पच्ची विहार है शेख झीला पच्ची विहार। ठीक है, कहाँ स्थित है? अलीगढ़ राज्य में स्थित है और सबसे छोटा पच्ची विहार है। ठीक है, समसपुर पच्ची विहार, समसपुर पच्ची विहार अभी आपको बताया मैनपुर, पार्वती अर्घा पच्ची विहार ये गोंडा में, पार्वती पच्ची विहार कहाँ है? गोंडा में, गोंडा। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पच्ची विहार प्रतापगढ़, कहाँ पर है? प्रतापगढ़ बेती। ठीक है, कहां स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। तो सबसे बड़ा पच्ची विहार कौन सा है? लाख बहुसी सेका झील पच्ची है, सबसे छोटा पच्ची विहार है, याद रखना यह सबसे छोटा अलीगढ़ में है, सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो आप सबको पता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। चंद्रप्रभा पहला, चंद्रप्रभा पहला वन्य जीव विहार था चंद्रप्रभा। ठीक है, चलिए इधर आइए, सबसे छोटा कौन सा है? आपसे पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है महावीर, ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा? सबसे छोटा महावीर प्रसाद जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर प्रसाद, सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, याद रखिए सबसे छोटा कौन सा है? हस्तिनापुर, और सबसे बड़ा कौन सा है? महावीर प्रसाद वन्यजीव विहार जो है सबसे, महावीर प्रसाद वन्यजीव विहार सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप सबको पता उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, दूसरे नंबर मुरादाबाद, तीसरे नंबर गाजियाबाद, चौथे नंबर कौन सा? आजमगढ़ है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महुआ, ये महुआ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, महुआ उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है महुआ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कहता है सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है? तो देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात कहां? जौनपुर में। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को क्या कहते थे? सिराज हिंद। ठीक है, जौनपुर को क्या कहते थे? सिराज हिंद। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने भाई जौना खां की याद में। ठीक है, और ये सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? जौनपुर है। गौतम बुद्ध नगर सबसे कम लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ पर, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर में, सबसे कम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। आपसे पूछा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, तो देखिए सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में।
सबसे अधिक जनघनत्व कहां पर है? गाजियाबाद में। सबसे अधिक जनघनत्व कहां है? गाजियाबाद में। सबसे कम जनघनत्व कहां है? ललितपुर में। सबसे कम, सबसे कम जनघनत्व कहां? ललितपुर में। सोनभद्र, देखिए सोनभद्र में क्या है, एसटी आबादी सबसे अधिक है, सबसे अधिक, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी का है सोनभद्र में। बागपत में क्या है? सबसे कम है, सबसे कम एसटी आबादी का है बागपत में, सबसे कम कहा है? बागपत में। ठीक है, ललितपुर में जो जन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहा है? गाजियाबाद में। सबसे कम कहा है? ललितपुर में। सबसे अधिक एसटी आबादी कहा है? सोनभद्र में। सबसे कम कहां पर है? बागपत में। ठीक है, आइए इधर आओ, प्रदेश में सबसे अधिक कौन सा साक्षरता वाला जिला? तो सबसे अधिक साक्षरता का है गौतम बुद्ध नगर में, सबसे अधिक साक्षरता है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। महिलाओं की साक्षरता सबसे अधिक का है कानपुर नगर में, सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला। सबसे अधिक आपसे पूछ ले कि सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ है? कानपुर में। साक्षरता कहाँ है? कानपुर नगर में। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब में सबसे कम है ये। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? श्रावस्ती में कम साक्षरता। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर है। चलिए आगे आइए, आगे बात करते हैं। आगे आपसे पूछा गया राज्यों में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात में कौन सा स्थान है? तो देखिए राज्यों में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात में कौन सा स्थान है? 26वां स्थान। ठीक है, 26वां स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात में, उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है लिंगानुपात में। ठीक है, सबसे अधिक वो उत्तर प्रदेश में राज्य लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 26वां स्थान है लिंगानुपात में। ठीक है, जनघनत्व में 9वां स्थान है जनघनत्व में। देखिए वैसे तो जनघनत्व में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? 4था स्थान है जनघनत्व में। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें संघ शासित क्षेत्रों को भी शामिल कर लेते तो कौन से स्थान पर आ जाता है? 9वें स्थान पर। ओवरऑल की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, ओवरऑल की बात, कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, वैसे तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व में कौन सा स्थान है राज्यों में? देखिए पहले स्थान पर बिहार, दूसरे पर है आपका बिहार के बाद पश्चिमी बंगाल, तीसरे पर कौन है? तीसरे पर है केरल, और चौथे पर कौन है? चौथे पर है तुम्हारा यूपी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और ये 26वें स्थान में किसमें? जन लिंगानुपात में। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कुल कितना है? 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912 है लिंगानुपात है, जबकि जनघनत्व कितना है? 829 जनघनत्व उत्तर प्रदेश का। ठीक है, 912 लिंगानुपात पर 829 जनघनत्व। भारत का कितना है लिंगानुपात? इंडिया का लिंगानुपात कितना है? भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है, जबकि जनघनत्व कितना है? भारत का जनघनत्व 382। भारत का जनघनत्व कितना है? 382 जनघनत्व। ठीक है, 29वां स्थान किस में उत्तर प्रदेश का? साक्षरता में। ठीक है, साक्षरता में, ठीक है, 29वां स्थान किस में? साक्षरता। पहला जनसंख्या, पहला किसमें? जनसंख्या, वो तो आप सबको पता है पहले नंबर पर हम जनसंख्या में। ठीक है, आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं? सुरमा, बरेली, पीतल के बर्तन, मुरादाबाद, कैंची, मेरठ, लकड़ी के खिलौने, वाराणसी, गलीचा, भदोही, देसी घी, औरैया, चमड़ा, कन्नौज। ठीक है, तो देखिए सुरमा बरेली में बनता है, सबको पता है सुरमा नगरी कौन सी है? बरेली है। ठीक है, सुरमा नगरी किसको कहते हैं? बरेली को कहते हैं। पीतल के बर्तन मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। कैंची उद्योग मेरठ, और क्या है मेरठ में? स्पोर्ट, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, खेल के सामान के लिए, खेल के सामान, स्पोर्ट्स टीवी कहते हैं। यहाँ के बल्ले से क्रिकेट बैट दूर दूर के खिलाड़ी, विदेशों के खिलाड़ी भी खेलते हैं। लकड़ी के खिलौनों के लिए बाढ़सी, गलीचा उद्योग के लिए भदोही, ठीक है, और देसी घी के लिए औरैया। ठीक है, लकड़ी खिलौने बाढ़सी, गलीचा उद्योग भदोही, और देसी घी औरैया का। ठीक है, लेकिन चमड़ा उद्योग के लिए कन्नौज नहीं है भैया, जिससे खुशबू की नगरी है कन्नौज। किसकी नगरी है? इत्र नगरी है। ठीक है, खामा खामे काय को भैया चमड़ा दे रहे हो, उसे इत्र नगरी कहते हैं। सेंट खुशबुओं के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। चमड़े के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? चमड़े के लिए कानपुर, कानपुर प्रसिद्ध है चमड़े के लिए, और तुम्हारा आगरा चमड़ा उद्योग के लिए, ये दोनों प्रसिद्ध है। ठीक है, जबकि कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है?
कन्नौज इत्रनगर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यही है कन्नौज। ठीक है, चमड़ा उद्योग के लिए कन्नौज नहीं है, कौन है, कानपुर और आगरा है। कन्नौज किसके लिए, इत्र नगरी है, परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला आपसे पूछो, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 11 है। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 11 है। ठीक है, और पारिस्थितिक क्षेत्रों में कितने में बांटा गया उत्तर प्रदेश को, पारिस्थितिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया उत्तर प्रदेश को, कितने में, 20 में बांटा गया पारिस्थितिक दृष्टि से आधार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो मेले तो नहीं है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है, चित्रकूट में, भारतीय संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ में, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय बरेली में, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई नाम आ गया कृषि विश्वविद्यालय, तो बरेली में नहीं होगा, ये कहाँ पर होगा, ये झांसी में, कहाँ पर है, ये झांसी में, कहाँ पर है, झांसी में। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय ये झांसी में। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। चलिए आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, चलिए बताइए आप में से कौन बताएगा, ये तो हो गया ना, महुआ न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जौनपुर है। ठीक है, चलिए तो आइए आगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी, कुछ नहीं तो 4-5 क्वेश्चन आपको इस क्लास से अवश्य मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, और आप सभी को कल एग्जाम के लिए मेरी शुभकामनाएं, आप सभी सफल हो और बढ़ दी अब की बार आपके घर। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।